क्या आपको पता है इतिहास में एक ऐसा विस्फोट भी हुआ है जिसकी ताकत हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बम से भी 10,000 गुना ज्यादा थी। ये विस्फोट साल 1883 में इंडोनेशिया के क्राकाटोआ ज्वालामुखी में हुआ था। तब इस ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा की गई आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि इसे 5,000 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता था और इसने अपने 60 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी लोगों के कान के पर्दे ही फाड़ दिए थे। अब आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये विस्फोट कितना ज्यादा शक्तिशाली था। 1883 में हुआ यह विस्फोट दुनिया का सबसे भयानक ज्वालामुखी विस्फोट है जिसने 36,000 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। आजकल किसी भी छोटे बड़े काम के लिए सिग्नेचर काफी इम्पोर्टेंट होता है, पर दुनिया से अलग जापानी लोग सिग्नेचर का यूज ही नहीं करते हैं। हस्ताक्षर की जगह पर उन लोगों के पास अपना एक स्टैम्प होता है जिस पर उनका नाम लिखा हुआ होता है, जिसे वो लोग हैंको कहते हैं। और वहाँ पर स्टैम्प लगाने के लिए कोई लाइन भी नहीं होती पेपर में, बल्कि एक गोल घेरा सा बना होता है जहाँ पर स्टैम्प लगानी होती है। क्या आप जानते हैं जिस डॉक्टर ने सबसे पहले बीमारियों से बचने के लिए हाथ धोने की बात की थी, उसे उस टाइम के लोगों ने पागलखाने ही भेज दिया था, क्योंकि उस समय पर ऐसी बात करना काफी बेवकूफी भरा माना जाता था। क्या आपको पता है धरती पर पाया जाने वाला मेंढक पौधा एक ऐसा पौधा है जिसकी बनावट इंसानों से काफी मिलती है। अगर आप इसे काटेंगे या उखाड़ेंगे तो इसमें से इंसान के रोने की आवाज आती है, और ये भी कहा जाता है कि जिसने भी इसकी आवाज सुन ली उसकी डेथ कंफर्म है। ये मेडिटेरेनियन सी के इलाके में पाया जाता है। क्या आपको पता है तेलंगाना के नलगोंडा शहर में हर दिन सुबह ठीक 8:30 बजे सब कुछ थम सा जाता है। और अगर आप सोच रहे हैं ऐसा वहाँ क्यों होता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दरअसल यहाँ हर दिन ठीक 8:30 बजे शहर के 12 प्रमुख जंक्शनों पर राष्ट्रगान बजता है, और सभी नागरिक चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों या कुछ भी कर रहे हों, राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होकर एक साथ राष्ट्रगान गाते हैं। सच में ये काफी इनक्रेडिबल बात है। दोस्तों, हम सभी ने बचपन से ही 4 तरह के ब्लड ग्रुप के बारे में सुना है, ए बी ओ और ए बी, जो कि नॉर्मल है। लेकिन हमारे देश में एक बेहद ही दुर्लभ ब्लड ग्रुप पाया गया है। गुजरात के राजकोट में एक 65 वर्षीय व्यक्ति की बॉडी में एक EMM नेगेटिव करके एक बेहद ही यूनिक ब्लड ग्रुप का पता चला है। इस ब्लड ग्रुप के चलते ये दुनिया का 10वां और इंडिया का पहला व्यक्ति बन गया है। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में एक ना एक बार कैफे या रेस्टोरेंट तो जरूर गए होंगे जहां आपने कुछ ना कुछ खाया होगा जिसके बदले में आपको पैसे देने पड़े होंगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे कैफे के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ आप खाना तो खा सकते हैं पर पैसे देकर नहीं, बल्कि प्लास्टिक देकर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में देश का पहला गार्बेज कैफे खुला है, जहाँ पर आप 1 kg प्लास्टिक देने पर एक टाइम का खाना और 500 ग्राम प्लास्टिक देने पर एक टाइम का नाश्ता ले सकते हैं। और इस प्लास्टिक को दोस्तों वहाँ की सड़कों को बनाने में यूज किया जाएगा। क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसी जॉब भी है जिसमें पात सूंघने का काम करना पड़ता है। चाइना में फार्ट को सूंघने की ट्रेनिंग दी जाती है और बाद में वो एक प्रोफेशनल फार्ट स्मेलर बनकर लोगों की सेवा करते हैं। ये लोगों का फार्ट सूंघकर लोगों को उनकी हेल्थ के बारे में जानकारी देते हैं। एक प्रोफेशनल फार्ट स्मेलर की सालाना सैलरी लगभग 36 लाख रुपए के आसपास होती है। क्या आप ये बात जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज करवाने वाले इंसान का नाम जोनाथन ली रिचेस है। जोनाथन ने अलग अलग कोर्ट में करीब 2600 केस दर्ज किए हैं, जिसके लिए उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। और कमाल की बात यह है दोस्तों कि जोनाथन ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पर भी अपनी जिंदगी के बारे में बिना इजाजत लिखने के जुर्म में केस दर्ज कर दिया है। दोस्तों, आपने फिल्मों में सुना होगा या रियल लाइफ में भी सुना होगा कि जो क्रिमिनल होते हैं या कोई अदर पर्सन भी हो, वो अपनी इल्लीगल मनी स्विस बैंक में रखते हैं। पर स्विस बैंक में ही क्यों? बैंक तो हमारे देश में भी काफी हैं, फिर भी स्विस बैंक में ही क्यों रखते हैं? ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग है। तो दरअसल दोस्तों, स्विस बैंक अपने क्लाइंट्स को सिर्फ एक नंबर देती है जिसमें उसका नाम पता कुछ भी नहीं होता। नंबर अकाउंट्स की खासियत ये होती है कि आपके अकाउंट की पहचान आपके नाम से नहीं बल्कि कुछ अंकों के समूह से होती है। आपके सभी लेनदेन उन अंकों से ही किए जाते हैं और जिसकी जानकारी बैंक के कुछ बड़े अधिकारियों के सिवा किसी के पास नहीं होती। और स्विस बैंक किसी भी अकाउंट होल्डर का नाम रिवील नहीं कर सकती जब तक कि कोर्ट का ऑर्डर ना हो, और ऐसा करना वहाँ कानूनन अपराध है। दोस्तों, आपने अक्सर इंडिया के मैप में एक दूसरी कंट्री श्रीलंका को देखा होगा, लेकिन इंडिया के मैप में श्रीलंका को क्यों दिखाया जाता है, इसके पीछे का रीजन आपको नहीं पता होगा। वैसे इसके पीछे की रीजन की बात करें तो ऐसा समुद्री कानून की वजह से होता है। समुद्री कानून तब लागू होता है दोस्तों जब किसी देश की बेसलाइन यानी कि बॉर्डर समुद्र से टच होता है, तब वहां समुद्री कानून लागू होता है। और इस कानून के तहत किसी भी देश की सीमा यानी कि बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक समुद्र में मौजूद हर चीज को नक्शे में दिखाना पड़ता है। ऐसे में इंडिया की सीमा रेखा
से 370 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर चीज, चाहे वो पेड़, पहाड़ या दूसरा देश ही क्यों न हो, नक्शे में दिखाना ही पड़ता है, जिसकी वजह से श्रीलंका दूसरा देश होने के बावजूद भी भारतीय नक्शे का हिस्सा है। और आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित धनुषकोडी गाँव से श्रीलंका की दूरी मात्र 18 माइल्स है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत भारतीय नक्शे का हिस्सा कैसे बन जाता है।